वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स, संडे हाइकिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो मेन टारगेट है वो रठियार है, जहां हमारे एक सेकंड बेस कैंप है वाइल्ड हिमालयन ब्राउन बियर एडवेंचर और आपका चंबा नेचर कैंप का। तो अभी हम सारा जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, खाने पीने का सारा सामान लेके हम लोग हमारा जो ट्रिप है वो मूव कर रहा है सुल्तानपुर से। तो कुछ ही देर में हम लोग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद हम लोग रठियार पहुंच जाएंगे। उसके बाद 1 किलोमीटर की ऑन फुट आपकी स्टीप क्लाइम रहेगा, उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। ये पॉज कर दो। थैंक यू सो मच। ये है हमारा ट्रिप, हमारा ग्रुप संडे हाइकिंग में न्यू साइट को एक्सप्लोर करने जा रहा है। They all are trekkers coming from Chamba, exploring new site. What is the name, sir? Please introduce yourself. My name is Vishal Pandey from Chamba. Hello, I am Anupam. I am Tanuj Raina Gujju from Chamba. Myself Jiten from Palampur. Oh, Palampur. And I am Narendra Singh Sandhu. ये है हमारा एक न्यू प्लेस, न्यू डेस्टिनेशन कैंपिंग साइट। इसका नाम है देवी देहरा, मुई भी बोलते हैं इसे और परेड़ा भी बोलते हैं। वैसे तो ये छंडी देवी के नाम से फेमस है। चंबा से करीबन 20 किलोमीटर रठियार रोड पर ये हमारा एक बहुत बढ़िया कैंपिंग साइट है, जो बिल्कुल डीप जंगल में है और साथ में नेचुरल वाटर रिसोर्स भी है। तो आप हमारा जो एक छोटा सा ग्रुप है उन्होंने पूरा स्वागत किया है और हम लोग आगे का ट्रैक अभी लगाने जा रहे हैं। तो नाउ हमारा जो है चंबा नेचर अवेयरनेस कैंप का जो ट्रैक है वन डे का, संडे हाइकिंग का, वो हमारी टीम रेडी है चलने के लिए। ये वैली जो है ये पूरी इज जस्ट लाइक अ कसोल वैली, ब्यूटीफुल। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। हमारा जो ग्रुप है वन डे हाइकिंग का, तो ये है हमारे टीम के लीडर जिनका ये कैंप साइट है, विदो राम जी। जबकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, क्योंकि अभी हमारा जो छोटा मोटा ग्रुप चलना स्टार्ट हो चुका है तो ये स्टार्टिंग है। थैंक यू। हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है वन डे हाइकिंग ट्रिप? गुजू खुश रह कर यार।
हमारे हाइकर्स, पर वन डे का जो संडे ट्रैक है उसको एक्सप्लोर करते हुए। ये वैली एक तरह से पूरी कसोल वैली लगती है। हेलो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपका इस ट्रैक में? आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रेस मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारी हमारी उम्र बढ़ रही है, हम लोग अपने आप को फिट रखें, तो ये सबसे बेस्ट शायद ऑप्शन है। एक पूरे वीक में अगर हम लोग संडे भी हाइकिंग के लिए जाएं 2 या 4 किलोमीटर, तो हमारी बॉडी के लिए वो इनफ है। हनु अजय, ये इस ट्रैक में मेरी जो टीम है वो थक चुकी है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हार रही और हिम्मत करके वो मेरे साथ इस ट्रैक पर चल रहे हैं। थैंक यू। कल ये बोल दो पार्टी हो रही है, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये आज हम संडे एडवेंचर के लिए आए हैं। तो ये हमारा जो छोटा सा दल है ट्रैकिंग का, हाइकिंग का, ये हम अपने कैंपिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो होप आप लोगों को ये जगह, ये प्लेस अच्छा लगे। एप्पल ऑर्चर्ड दिखाओ इनको। हेलो, वेलकम वाइल्ड हिमालयन ब्राउन बियर एडवेंचर और चंबा नेचर अवेयरनेस कैंप में आप लोगों का स्वागत है। आज संडे, आज हम लोग अपनी टीम के साथ हाइकिंग पर आए हैं। छोटा सा ट्रिप है वन डे का और हाइकिंग प्लस कैंपिंग। तो ये जगह का जो नाम है ये है रठियार। ये चंबा से 20 किलोमीटर है और ऑन फुट 1 किलोमीटर है। थैंक यू। चलो लेके आए इतना हेवन,
थैंक यू बॉडीज। ये है मड हाउस, मैं थोड़ा सा आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ही टाइम में ये रेडी हो जाएगा हमारा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखिए पोल टाइप के स्टेप्स, इसमें आप जैसे चढ़ोगे, छोटे सा स्टेप है पर बिल्कुल पाँव के मुताबिक। और ये इसके ऊपर का ये ओपन नज़ारा, तो ये आ गया हमारा एक छोटा सा फूड हाउस स्टे करने के लिए, सोने के लिए, जो अभी जल्दी इसको डेवलप किया जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप हैं, बिल्कुल पाँव का एज जो होता है पूरी एड़ी एड़ी टाइप की। वाह, तो ये है हमारा छोटा सा ग्रुप। ये है जंगल गर्ल्स, इनका नेम है, क्या नाम है आपका? सोनाली। सोनाली एंड आयुषी। आयुषी, ये मेरे छोटे छोटे फ्रेंड है। गुड, बाय बाय। तो ये हमारी अभी रेसिपी तैयार हो चुकी है खाने की। यहाँ की टुडे जो हमारा मेन्यू है वो है पनीर भुर्जी, चिकन, साग, बाजरे और मक्के की रोटी, और साथ में हमारा जो चावल। अभी आप देख रहे हैं हम लोग जो अपना लंच जो है वो खाना जो है वो वाइल्डनेस में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारे कुछ साथी है ये अपने बर्तन वगैरह लेके आए हैं, और साथ में हम लोगों ने जो है यहाँ पे प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर दी है। ये आप देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पनीर, चिकन, चावल, मक्के की रोटी, साग। यहाँ से स्टार्ट ओके। तो अभी हम लोग वाइल्डनेस चिकन बना रहे हैं। अभी ये कच्चा चिकन हमने ले लिया है और उसमें 2 एग हम लोगों ने मिक्स किए। यहाँ भी रखना, ठीक है? बाकी और रेसिपी के नाम पर हमारे पास नमक है, जो हम लोग साथ में इसको मिक्स करेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया। रेसिपी के नाम पर हमारे पास मिर्च है, चिकन मसाला देना प्लीज। तो ये हल्का सा हमने जो है इसमें चिकन मसाला स्वाद के लिए हमारे मैगी ये हमने मिक्स कर लिया है। अभी हमने चिकन डाला है, चिकन के बाद हमने एग्स 2, फिर हमने नमक और हल्दी मिर्च मसाला सब हमने डाला है। ये थोड़ी सी हमने हल्दी इसमें डाल दी स्वाद के लिए, ज़्यादा नहीं। और आप इसको देखिए, यहाँ कैमरा कीजिए। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि हमारा जो है चिकन जो है वो अच्छे से बन जाए। अब आधा घंटा हम इसको वैसे रखेंगे। वाइल्डनेस का जो चिकन है वो आपका ऐसे ही रहता है। ये हमने इसको पूरा मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम कुछ देर इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रख सकते हैं। तो ये है वाइल्डनेस का चिकन। मैं नरेंद्र सिंह संधू, थैंक यू।
आई नो वेरी वेल कि ये तेरा एरिया है, इसलिए हम गुस्ताखी नहीं करेंगे। तो अभी देख रहे हैं ये एक नेचुरल हम लोग चूल्हा बन रहा है जहाँ पे हम लोग चिकन को पकाएंगे। एक जो पत्थर की एक स्लेट है, हम बोलते हैं इसको शीट बोलते हैं, इसके ऊपर हम चलाएंगे। देखिए ये आग बल गई है, जली हुई आग में हम लोग अभी थोड़ी देर में ये हमारे बच्चा गैंग हमारा साथ देगी और यहाँ पे एक बढ़िया जो चिकन तवा चिकन या स्टोन चिकन बोलते हैं वो आपके सामने रखा जाएगा। तो ये है रठियार, एक ब्यूटीफुल साइट, वाइल्ड हिमालयन ब्राउन बियर एडवेंचर एंड चंबा नेचर अवेयरनेस कैंप के अकॉर्डिंगली हमने ये एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है टूरिस्ट के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि कोरोना काल में आप सबका घर बैठे बैठे अगर हालत बुरी है तो हम लोग संडे के दिन आपको यहाँ पे इनवाइट करेंगे एक बहुत स्मॉल अमाउंट में और आप लोगों का यहाँ स्वागत करेंगे। नाइस स्टे, कैंपिंग भी होगी और 3 टाइम का खाना भी होगा, हर चीज़ इंक्लूडिंग रहेगी हमारे इस पैकेज में। तो ये हमारे बच्चा गैंग जो है ये अभी हमारे लिए आग जला चुकी है, अभी हम इस पे चक्का चिकन बनाएंगे। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे हैं ये एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग यहाँ पे एक चिकन को फ्राई कर रहे हैं। फ्राई तो क्या मतलब है, एक मैरिनेट करके हम लोग इस चिकन को इस चक्के पर रखेंगे, ये चक्का कुछ ही देर में गर्म हो जाएगा और उसके ऊपर हम लोग मैरिनेट करके इस चक्के पर रखेंगे, है ना जी। तो ये हमारा एक स्पेशल चिकन है, वाइल्ड इनेस चिकन। मैं मेरे अपने दोस्तों के साथ, मेरा कैमरा मैन भी मेरा दोस्त, ये हम लोग एक चिकन की बनाने की कोशिश करते हुए। थैंक यू। चिकन बनाने की तो सबसे पहले आपने यहाँ घी डाल दिया क्योंकि हमारी आग बहुत ज्यादा लग चुकी है, इसलिए हम लोग थोड़ी आग कम करेंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी आग कम हो गई और यहाँ पे हमने जो है घी जो है डालना, घी जो है उसको लगा दिया है। और ये देखिए हमारा एक रेसिपी जो है चिकन जो है ये हमने पहले से मैरिनेट कर दिया, करीबन आधा घंटा हो गया इस चिकन को रेसिपी किए हुए। तो अब ये चिकन हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। तो इससे पहले हम लोग घी से इसका जो है पूरे तक के हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, इधर लगाना। तो अभी हमने ये जो थोड़ी सी रेसिपी जो हमने डिजाइन की है इसको हमने डाल दिया इसके ऊपर ताकि ये थोड़ा सा एक हमारा जो है स्वाद को मेंटेन कर दे। तो ये हमने इसके ऊपर चिकन के जो फ्रेश चिकन जो है जो मैरिनेट किया गया आधे घंटे पहले उसको हमने रख दिया हुआ। तो ये चिकन जो है ये एक समझो कि एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक नई चीज बन गई। थैंक यू सो मच। अभी हम कुछ ही देर में आपको लाइव वीडियो बताएंगे इसका थोड़ी देर। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल और वाइल्ड एनेस चिकन। हमने आग लगाई है, आग लगाने के बाद हमने चिकन को मैरिनेट किया है एग में और एग करने के बाद हम लोगों ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से रखा है। तो ये से कहते हैं वाइल्ड एनेस चिकन। तो ये कैसे बनाते हैं इसकी ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे जरूर। हर बार की तरह वाइल्ड एनेस का जो चिकन आप देख रहे हैं थोड़ा ऑसम बना है, तो होप ये आपको अच्छा लगेगा। आपको तो क्यों, पर हमें अच्छा लगेगा। वाओ ब्यूटीफुल, ये होता है हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पे फ्राई होना चक्का चिकन बाय नरेंद्र सिंह संधू इन वाइल्डनेस। तो फाइनली हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया है, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये है वाइल्ड एनेस चिकन, चक्का चिकन, मेकिंग बाय नरेंद्र सिंह संधू, लकी। अब
अभी देख रहे हैं हमने चिकन जो है डेवलप कर लिया है, बना लिया है। तो ये देखिए चक्का चिकन जो है बन चुका है। तो ये खाने के लिए मैं वाओ अल्टीमेट, ऐसा चक्का चिकन मैंने जिंदगी में नहीं खाया, खुद बनाया और खुद खा रहे हैं अल्टीमेट। ये हैं बिदु राम जी, इनके सौजन्य से हम आए हैं इनके गांव में। इन्होंने हमारा ट्रिप इतना फैंटास्टिक कर दिया कि हमें चिकन इन्होंने कुक कर दिया, इन्होंने वेज बिरयानी कुक कर दी, और क्या बात है इस खाने की। इस खाने में हुक्का इन्होंने प्रोवाइड कर दिया जो हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया था, सोचा ही था। और हुक्का इन्होंने ऐसा किया कि हिडन एक हिडन मतलब हमारे लिए वो इन्होंने रखा था। जब हम यहाँ आए तो हम हैरान हो गए, इनका घर बहुत ही सुंदर पौराणिक हिसाब से बना हुआ है, और अंदर एक बहुत ही अच्छा 3 फ्लोर का घर बना हुआ है जिसमें हम कम से कम भी 20 लोग आराम से रह सकते हैं। और ये एक ऐसा ट्रिप रहेगा जो आप कभी भी 5-स्टार होटल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और इसके साथ ही बिल्कुल पानी बह रहा है, वाइल्डनेस नेचर, और ये खेतों के बीच में अभी सरसों पक रही है, सरसों को ये लोग पकाते हैं, और सरसों की जो फील्डिंग है वो ये लोग करते हैं। और ये इनके जो घर है ये सिर्फ घास के लिए और चरवाओं के लिए होते हैं, जो इनके असली घर है वो थोड़े दूर है गांव में। और ये लोग होते हैं जो जब इनके जानवरों के लिए घास की कटाई होती है उसको ये प्रिजर्व करने के लिए ये लोग घर बनाते हैं। और ये जो इन्होंने सरसों लगाई है इसको थोड़े ही दिनों में ये काटेंगे पकने के बाद, और इसका सरसों का तेल जो हम खाते हैं वो ये लोग ऐसे उगाते हैं। आज हम लोग 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे होके आए थे, हमारे लिए एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्सपीरियंस रहा, और बिदुराम जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने बिदुराम फैमिली हमें इनवाइट किया। इनका बेटा बहुत ही हमारा आज इन्होंने बच्चों ने 3 बच्चों ने बहुत ही सपोर्ट किया, जिसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे कि हम आए यहाँ पे और फैमिली के साथ। तो आफ्टर पूरा संडे हाइकिंग करने के बाद हम लोग नाइट स्टे यही हमने मड हाउस में किया, उसके बाद हम लोग बैक टू चंबा। आज इवनिंग को सेकेंड डे इवनिंग को हम लोग वापस जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है इन फ्यूचर ये जो साइट है कैंपिंग साइट को हम डेवलप करेंगे। स्वागत है आपका हिमाचल मड हाउसेस में, चंबा मड हाउसेस। अभी हमारा जो ग्रुप है पूरा इंजॉय कर रहा है, अभी कुछ हम लोग खाने पीने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, तो सारे हमारे जो साथीगण हैं ये अरेंजमेंट करते हुए। तो ये है चंबा मड हाउस।
ये देखिए आप चंबा का बिल्कुल प्योर शहद, ऐसा शहद और मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। तो जब आप हमारी टीम के साथ, हमारे ग्रुप के साथ होंगे, आपको रियल में ऐसी नेचुरल चीज़ें यहाँ पे खाने को मिल सकती हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको मड हाउस दिखाता हूँ। ने अभी देख रहे हैं, हमने चिकन जो है डेवलप कर लिया है, बना लिया है। नाना बहुत बढ़िया बने, बहुत अच्छे बने साहब, ग्रेट, ग्रेट टीम। तो दिस इज ये वाइल्डनेस का खाना, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया, ब्यूटीफुल चावल, ब्रिंच और कांदा और ये प्याज और ये चिकन है ना। मैं चाहता हूँ कि आप सभी को सर्वे कर लीजिए, है ना जी। बस टॉप टॉप।